कॉमर्शियल रेट लगा करते थे बिजली के, वो अब डोमेस्टिक रेट लगा करेंगे। और दो जैसे डोमेस्टिक में 200 यूनिट बिजली फ्री है और 400 यूनिट तक आधी है, वो सब बेनिफिट्स जो डोमेस्टिक के कंज्यूमर्स को मिल रहे हैं वो सभी बेनिफिट सब वकीलों को अपने चेंबर में बिजली के रेट पे मिला करेंगे। दूसरा, वकीलों की एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी जो हमारे हमने पिछले चुनाव के पहले हम लोगों ने उनसे वादा किया था, वो वादा कंप्लीट कर रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए का इस बजट में हमने वेलफेयर के लिए उनके लिए पैसा रखा था, वो पैसा कैसे खर्च होना चाहिए इसके लिए वकीलों की एक कमेटी बनाई गई थी। वकीलों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने हम चार बातें मांगी हैं, वो चारों बातें आज कैबिनेट ने स्वीकार कर ली और वो मंजूर कर ली गई हैं। पहली चीज कि दिल्ली में रहने वाले दिल्ली के जो नागरिक हैं वकील और दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली के जो वोटर हैं वकील, उनको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा उनके परिवार को अप टू ₹5 लाख। दूसरा, हर वकील को 10 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। तीसरा, कोर्ट्स के अंदर ई लाइब्रेरीज शुरू की जाएंगी जिससे वकीलों को सुविधा हो सके। और चौथा, सभी कोर्ट प्रमाइसेस के अंदर क्रैश चालू किए जाएंगे ताकि वकीलों को सुविधा हो सके। ये वाले निर्णय आज वकीलों के लिए लिए गए हैं। दूसरा निर्णय जो इम्पोर्टेंट है वो है रूरल एरियाज़ के लिए, तो आज सर्कल रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट 53 लाख रुपए प्रति एकड़ होता था, इसको हमने 2-3 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी हमने बढ़ाया था, लेकिन उसको उस वक्त के एलजी साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर ये मामला कोर्ट में गया था, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद फिर हम लोगों ने कमेटी वगैरह बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट्स आ गई हैं और अब आज दिल्ली के एग्रीकल्चरल लैंड जो कि ग्रीन बेल्ट में है, जो कि अर्बन विलेजेस में है, जो कि रूरल विलेजेस में है, उनके सर्कल रेट बढ़ा के 53 लाख रुपए प्रति एकड़ से 2.25 करोड़ से 5 करोड़, अलग अलग जोन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रेट हैं, तो 2.25 करोड़ रुपए मिनिमम हो गया और 5 करोड़ रुपए मैक्सिमम। तो कहीं पे 2.25 करोड़ होगा, कहीं पे और ज़्यादा 3 करोड़ होगा, कहीं पे 4 करोड़ होगा, कहीं पे 5 करोड़ होगा, तो 2.25 करोड़ से 5 करोड़ की रेंज अब हो गई है। उसमें रेंज में तो कोई भी जमीन, अब एग्रीकल्चर जमीन अगर दिल्ली के अंदर एक्वायर की जाएगी तो उसको 2.25 करोड़ रुपए से 5 करोड़ का सर्कल रेट उसमें लिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें ये था कि ये वाला मुद्दा जो है ये एलजी साहब के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, तो आज या कल में हम कैबिनेट के डिसीजन को एलजी साहब के अप्रूवल के लिए भेज देंगे। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, अप्रूवल मिल जानी चाहिए। आपके अगर कोई प्रश्न है तो बताइए। 2008 में पिछली बार बढ़ा था 11 साल के बाद। सर, एक सवाल था, दिल्ली में जैसे स्थिति हो गई है, मनीष जी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें बस के भीतर एक कंटेनर से कुछ डालते हुए दिल्ली पुलिस का जवान दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में जिम्मेदार पद पर बैठे हुए मनीष जी को इस घटना की मतलब भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने उस समय पर उस वीडियो को डाला जिससे कि हिंसा और बढ़ी? देखिए, दिल्ली की स्थिति को लेके मैं काफी चिंतित हूँ और हम चाहते हैं कि दिल्ली में शांति बनी रहे। हर एक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जो भी प्रोटेस्ट हैं वो संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए। किसी को भी हिंसा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जाहिर सी बात है कि दो चीज़ें की जा रही हैं, एक ये कि इस वक्त जबकि ये साबित हो चुका है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिल्ली के चुनाव में जीतने वाली है,
और ना केवल जीतने वाली है, भारी बहुमत से जीतने वाली है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटें 65 आएंगी कि 70 आएंगी। ऐसे में जानबूझ के विपक्ष द्वारा हिंसा फैलाई जा रही है दिल्ली की जगह जगह। इस हिंसा से जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला, आम आदमी पार्टी को तो नुकसान ही हुआ। इस हिंसा से विपक्ष को फायदा होने की उम्मीद उनको लगती है। पिछले चुनाव के पहले भी उन्होंने बवाना में और त्रिलोकपुरी में हिंसा फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों ने देखा और दिल्ली के लोगों ने उस किस्म की हिंसा को नकारा। आज भी इसी किस्म की कोशिशें की जा रही हैं दिल्ली के चैन को, दिल्ली के अमन शांति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि ऐसी सभी ताकतों को हमें मिलकर नकारना है। हमें दिल्ली की शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है सबको मिलकर उसका विरोध करना है। किसी भी तरह से दिल्ली की हमें शांति भी खराब नहीं होने देनी, अमन चैन भी खराब नहीं होने देना, और हमें इस किस्म की जितनी भी हरकतें हैं उन सभी जो उन सभी का जवाब हम लोग चुनाव में देंगे। एक कोशिश की जा रही है जानबूझ के आम आदमी पार्टी को, मतलब उनकी तरफ से रोज बस एक ही बयान की आम आदमी पार्टी करा रही है, आम आदमी पार्टी करा रही है, उनकी तरफ से जानबूझ के इस किस्म की बयानबाजी की जा रही है। आम आदमी पार्टी क्यों कराएगी? आम आदमी पार्टी को इससे क्या फायदा है? इससे किसको फायदा है? जाहिर है कि जिसको फायदा हो सकता है दंगे वही करा रहा है। सर एक सवाल, अभी जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कर्फ्यू 144 लगा हुआ है कुछ इलाकों को छोड़कर, सोनिया विहार हर्ष विहार को छोड़कर, और अभी जब हम बात कर रहे हैं दयालपुर में भी सिमरिंग टेंशन्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट काफी ज्यादा है। जो जामिया में FIR हुई है उसमें CYSS के स्टूडेंट का नाम सबसे ऊपर है, आप कैसे देखते हैं इसे? और चूंकि आप अपील कर रहे हैं लेकिन ये अपील जमीन तक नहीं पहुंच रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने फिर से ये कहा कि इस किस्म के दंगे दिल्ली के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर कराए जा रहे हैं, और दिल्ली के अंदर वो लोग इस किस्म के दंगे करा रहे हैं जिन लोगों को चुनाव में बुरी तरह से हार जाने का अंदेशा है, वो हर किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। तो इसीलिए दिल्ली की जनता से मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें, और जो लोग भी ये दंगे करा रहे हैं उसको समझें, और जैसे दिल्ली की जनता ने बड़े समझदारी से पिछले चुनावों में उनको सबक सिखाया था, इस बार भी उनको सबक सिखाना है। सर ये जो आपने कहा कि विपक्ष करवा रहे हैं, तो कोई आधार भी है या फिर? सब जानते हैं, सब जानते हैं कौन करा रहा है। इस देश के अंदर दंगे कौन करा सकता है और किसकी ताकत है दंगे कराने की, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। आपकी स्माइल भी बता रही है कि आप जानते हैं। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वही विपक्ष जानता है कि कौन करा रहा है। थैंक यू।